अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश है कि हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, अमीन सुमामीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ़ोन को चार्ज पे लगाने के लिए, और फिर हो गया था सहेली का टाइम, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अंडी की भुर्जी वगैरह बन गई थी, बाकी दाल रखी हुई थी वो बन गया था। मैंने थोड़े राइस बना के थोड़े फ्राई कर दिए थे, बाकी थोड़े जो हैं वो नॉर्मल ही रखे थे, क्योंकि अम्मी और पापा को फ्राइड राइस नहीं पसंद है, मुझे और छोटी सिस्टर को ही पसंद है, तो इसीलिए मैंने हम दोनों के लिए बना दिए थे। और फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था। और देखिए पूरी जो है फ्रीज की वो हालत ही ख़राब हो रखी है। अभी मैंने रमज़ान के एक दिन पहले ही फ्रीज क्लीन करा था, लेकिन उसके बाद भी इतनी जल्दी इसकी हालत ख़राब हो गई। और मैं आज कॉलेज से आई थी, इतना ज़्यादा थकी हुई थी, हालत ही मेरी नहीं थी कुछ करने की, तो इसलिए छोटी सिस्टर ही यहाँ पर काम कर रही है। और अनियंस वगैरह सब कट करके रखी थी, मैं पानी पूरी लेकर के आई थी, तो ये रखा हुआ है अभी जैसे का तैसा रखा हुआ। अच्छा, तो ये 24th और 25th रोज़े की क्लिप है, तो जिस दिन पापा हमारे साथ रोज़ा नहीं कर रहे थे वो सारी। तो मैंने पहले बताया था कि जब मैं ना वीडियो नहीं डालती हूँ, कुछ दिन हो जाते हैं वीडियो को डाले डाले, तो जब मैं डालती हूँ ना तो फिर ऐसे ही सारी वीडियो अप्स एंड डाउन हो जाती हैं, बहुत इधर से उधर हो जाती हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता कौन सी वीडियो किस दिन की है। तो बस आप देख लीजिए, सारे वो अनसीन क्लिप्स हैं जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे अपने मतलब रमज़ान व्लॉग्स में नहीं ऐड करी थी, तो आप देख लें और एंजॉय करें। अभी भी मेरी हालत गैर है, मतलब क्योंकि घर की सफाई और रोज़े और शॉपिंग और पढ़ाई वगैरह के चक्कर में ना मेरी हालत गैर हो रखी है, और मुझे व्लॉगिंग का मतलब इतना मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन ना मैं अब मिस नहीं करना चाहती हूँ व्लॉगिंग का, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती। ऑलरेडी 3 दिन मैंने व्लॉग्स नहीं डाला, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरे रमज़ान ही व्लॉग शूट करूँगी। 2 साल से मेरे साथ यही हो रहा है, मतलब अभी आज इस बार 3रा साल है कि जब मैं सोचती हूँ ना पूरी रमज़ान में एक एक दिन का व्लॉग मैं शूट करूँगी, फिर 20 रोज़े के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है मेरा व्लॉग मिस होना, क्योंकि फिर तब इतना काम हो जाता है ना, घर की सफाई होती है, शॉपिंग होती है, और फिर लैलतुल कद्र की रातें होती हैं, जगना होता है, तो फिर दिन में टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत सोना भी होता है हम लोगों को, तो इसीलिए ना हमेशा यही होता है कि 20 के बाद से मेरे व्लॉग मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर रमज़ान ऐसा होता है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी। वेल, मैं इसको अब कवर तो कर नहीं सकती, क्योंकि जो छूट गए हैं तो छूट गए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगी कि मैं मिस नहीं करूँगी, जितने रोज़े बचे हैं पूरा मैं अपना व्लॉग जो है वो कवर अप करूँगी, आपको दिखाऊँगी क्या क्या मैं एक्टिविटी कर रही हूँ आजकल। और अभी क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, या आज के ही किसी शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से किचन अरेंज कर लिया, लेकिन उसकी वीडियो फुल वीडियो आएगी कल या परसों में, लेकिन शॉर्ट्स में मैंने जो है वो शूट किया था, तो वो आज ही इंशाल्लाह आ जाएगी। और मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ वगैरह बनाने लगी थी, और अभी क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट करना है, तो इसीलिए हल्का फुल्का हम लोग बना रहे थे कि मतलब जल्दी जल्दी बन जाए, बाकी सारा जो टाइम हमारा बच रहा है वो थोड़ा रेस्ट करने के बाद काम में साफ़ सफाई में लग जाए तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप मेरे व्लॉग्स रमज़ान डे 1 से देख रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि रमज़ान डे 1 से मैं कितनी सारी रेसिपीज़ बना रही थी, बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज़ बनाया मैंने, बहुत इन्जॉय भी किया। लेकिन अभी जैसे जैसे रमज़ान जा रहे हैं तो फिर मन भी ऐसा हो जा रहा है कि मतलब हेल्दी खाना है, कुछ नॉर्मल खाना है, लाइट खाना है, और फिर काम भी इतना रहता है कि मन ही नहीं करता है बनाने का, तो इसीलिए बस हल्का फुल्का ही बन के रेडी हो जाता है और उसी से हम लोग इफ्तार कर लेते हैं। और रमज़ान इतनी बरकतों वाला महीना है कि अगर दस्तरखान पे 2 से 3 चीज़ें भी होती हैं तो भी पेट बिल्कुल भर जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत 3 कोर्स 7 कोर्स मील खा लिया हो। तो यहाँ पे बस आपके साथ कैसा चल रहा है, आपकी घर की सफाइयाँ, ईद की शॉपिंग, लैलतुल कद्र की रातें और बाकी रोज़े कैसे चल रहे हैं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे हम लोग रोज़ा खोलने लगे थे, और तो आज
आज थी लैलतुल कद्र की चौथी रात, तो जिसके लिए यहाँ पे हमने मतलब थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के लिए थोड़ा सामान लाए हुए थे, पेस्ट्री वगैरह, तो ये हम लोग इंजॉय कर रहे थे। बस इसको खा के फिर हम लोग जो है वो इबादत करना स्टार्ट कर देंगे। खाने का इबादत से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इतना लाइट इफ्तार किया था तो इसीलिए हल्की फुल्की भूख के लिए हमने मंगा लिया था पेस्ट्री, और भी कुछ चीज़ें मंगाई थी वो आई नहीं, तो इसलिए अभी इसी से हम लोग ने अपना पेट भर लिया। और यहाँ पे देखिए हम नमाज़ें वगैरह चेक कर रहे हैं कि आज का कौन सी नमाज़ अदा करनी है। दूसरा बस यहाँ पे मैं, सिस्टर और अम्मी हैं, और आज चौथी रात है, बस अभी दो ही तीन दिन बचे हैं रोज़े के, पांचवी सभी कदर होने के जस्ट बाद ही फिर रमज़ान एंड हो जाएंगे, और बस नॉर्मल डेज़ हमारे वही बोरिंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बस बुरा तो लग ही रहा है सोच के, लेकिन बस एक महीना ही अल्लाह पाक ने हमें इबादत का दिया है। वैसे तो इबादत का एक महीना अल्लाह पाक ने नहीं दिया है, आप चाहें तो रमज़ान के बाद भी जम की इबादत कर सकते हैं जैसे रमज़ान में आप करते हैं, लेकिन इंसान का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि उसे लगता है कि रमज़ान ही है जिसमें हम इबादत करें, लेकिन रमज़ान सिर्फ इबादत के लिए नहीं, रमज़ान अल्लाह पाक ने इसलिए बनाया है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा इबादत का सवाब मिलेगा, तो इसीलिए इस महीने में इबादत करना तो लाजिम है, क्योंकि बाकी सारे महीने में तो नॉर्मल सवाब हमें जैसे मिलता है वैसा मिलेगा, लेकिन रमज़ान के महीने में 70 गुना हमें सवाब मिलता है किसी एक नेकी का, तो इसीलिए रमज़ान की अहमियत इतनी ज़्यादा है। वेल, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सभी जानते हैं, लेकिन मुझे जो पता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मुझसे कहीं पर कुछ मिस हो रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। पहले यहाँ पे हम लोग सहरी करने लगे थे पूरी रात जग कर के, और मैंने ये बनाया था बहुत ही मज़े का और पापा के मन का भुना भुना कीमा, और ये वो कीमे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसकी रेसिपी मैंने कुछ टाइम पहले चैनल पर अपलोड करी थी, और ये भी काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद मैंने पूरा दिन व्लॉग ही नहीं शूट किया, इतना ज़्यादा थक गई थी घर की सफाई में, तो इसीलिए सिस्टर ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुक कर लिया था, बाकी बिरयानी वगैरह आई हुई थी वहाँ बाहर से जहाँ से इफ्तार, जहाँ इफ्तार था, तो इसीलिए वही सब दस्तरखान पे लगा, थोड़े फ्रूट्स लगे हुए हैं और इसी से हमने रोज़ा खोला था। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को बाबर के तरीके से साल के 365 दिन सजाए बनाए रखें, आपके घर में तमाम तर परेशानियों मुसीबतों से आपको निजात हासिल फरमाए और खुशियाँ ले आए आपके घर में, आपको कामयाबी अता फरमाए, सारे मसले आपके हल कर दे। तो आप भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, फिलिस्तीन के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। और बस यहीं पर था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आप सक्स व्लॉग में, फिर लंजिए केरला फिर सब खूब से ख्याल रखेगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, साथ ही साथ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा, और ईद तक के मेरे 500 सब्सक्राइबर तो ज़रूर ज़रूर करवा दीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।